नमस्कार, मैं सोम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। वर्ष 2004 में 15 दलों के साथ बनाया गया था यूपीए। अब नए गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हो गई है। जहां यूपीए से कितना अलग है इंडिया उसके बारे में जानते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल अब जो है फूक चुका है और सत्ताधारी एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने मिलकर नया गठबंधन तैयार किया गया है, जिसका नाम जो है अब घोषित हो गया है और उसका नाम है इंडिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा अब ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच की है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच की है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इंडिया का पूरा नाम जो है वो बताते हुए उन्होंने बताया, वही शॉर्ट फॉर्म बताने में जो है गलती कर दी। इंडिया का जगह पे उन्होंने INDIL बोला, जिसके बाद जो है विवाद शुरू हुआ कि कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जब प्रोनाउंसिएशन ही गलती किया तो कैसे देश चलाएंगे। All 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Development Inclusive Alliance. वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, यानी कि मोदी इंडिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा जो है सोशल मीडिया पर दावेदारी की जा रही है। वहीं मोदी का भाषण जो है, ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है, पहले ये वीडियो सुनिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए, जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने का मकान के लिए वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया। Vote for India.